तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। और अभी मैं सो के उठ चुका हूँ और समय हो रहा है यही 5 बज रहे होंगे। और चलते हैं नहाते हैं क्योंकि आज जाना है मुझे। फाइनली आज 7-8 दिन गांव में बिताने के बाद यहाँ से चलते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ नहाने, बाकी आप ब्लॉग देख के इंजॉय करो। सुबह सुबह की वाइब ही अलग होती है यार। सुबह सुबह अगर उठ जाओ ना गाँव में तो मज़ा आ जाता है। शहरों में तो इतना सुबह कोई नहीं उठता होगा, मुझे लगता है कुछ लोग उठ जाते होंगे, लेकिन शहरों की वाइब गजब की होती है भाई, एकदम शानदार वाली। अभी मैं जस्ट निकला हूँ और पता है यार मम्मी इतना सारा सामान दे दी है, तो अभी जस्ट निकले हैं और चल रहे हैं बस पकड़ने। लेट हो रहा है, हमें थोड़ा सा कुछ काम है DM ऑफिस पे, उसके बाद वहाँ जो भी लगेंगे 10-15 मिनट जो भी लगेंगे काम करके फटाक से वहाँ से निकलना है, और उसके बाद आप ब्लॉग देख के इंजॉय करो। और मैं रास्ते से जिस जा रहा हूँ, बड़ा ख़तरनाक रास्ता है वो, मैं जा रहा हूँ ऐसे रास्तों से ताकि पता है शॉर्टकट पड़ता है थोड़ा सा ये रास्ता, तो इसलिए मैं इस ऐसे रास्तों से जा रहा हूँ अभी भाई। लेकिन बड़ा ख़तरनाक रास्ता है यार, अभी मैं गिरते गिरते बचा। हाँ, अब थोड़ा सा फ्रेश रास्ता। और वो जो स्कूल आपको दिख रहा है वो रोड है और मुझे बस वहीं से मिलेगा, तो बस पकड़ते हैं और निकलते हैं फटाक से। अभी मैं जस्ट पहुंचा हूँ स्कूल के पास। दूर पैदल चल के हालत ख़राब हो गया भाई, सच में मतलब थक गया हूँ। सामान भी है ना, सामान नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट सामान है इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। पर कोई नहीं, पहुंच चुके हैं रोड पे, बस आता ही होगा, 7:30 बजे टाइमिंग है उसकी, तो बस पकड़ते हैं फटाक से। और भाई मंगाओ, बस मंगाओ, जल्दी मंगाओ, चला जा, धूप में खड़ा खड़ा मेरा ही बस होता तो क्या खरीद लो एक तो खरीद लेने, किडनी बेचना पड़ेगा तो है? किडनी बेचना पड़ेगा तो थोड़ी से ले ली फोटो। जस्ट हम लोग बस से उतरे हैं और थोड़ा सा जा रहे हैं DM ऑफिस, कुछ काम है तो वो निपटा के और फिर निकलते हैं यहाँ से जल्दी से, अगर हो जाएगा वो सारा काम तो फटाफट निकल लेंगे। गर्मी बहुत है भाई, पसीना हालत ख़राब हो रही है, ऊपर से दाढ़ी जो शेव करा ली हो ना तो चेहरे पे धूप भी लग रही है बहुत भयंकर वाली। और ये लड़का आगे आगे फटाफट फटाफट चल रहा है, सामान भी लिया है, मेरे से तो एक बैग संभालना मुश्किल हो रहा है। मैप भी देख रहा है, पीछे पीछे इसके चल रहे हैं, ये मुझे लीड कर रहा है। अभी चलते हैं देखते हैं, ऑटो भी नहीं मिला यार। हम अभी पहुँच गए हैं यहाँ पर, बट अभी बंद है शायद, 9:30 बजे ओपन होगा, तो जैसे ओपन होता है चलते हैं अंदर। अंदर चलोगे? ये परेशान है फटाक से, कैसे भी काम कराए, और काम कराने के बाद अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। गर्मी बहुत हो रहा है यार, फोन करके चेक कर लो एक बार, पूछ लो। देख कै बजे खुल जाता है सर, कै बजे खुलता है? 10 बजे खुलता है। यस, गवर्नमेंट ऑफिस है, देख रहे हो, अगर यही प्राइवेट ऑफिस होता तो ये सारी चीज़ें चमक गई होती। गवर्नमेंट ऑफिसों की ये हालें हैं, मैं बेइज्जती नहीं कर रहा बट गवर्नमेंट को थोड़ा सा सुधार करना चाहिए। अगर यही चीज़ें प्राइवेट होती ना तो अच्छे से होती, थोड़ी सी VIP तरीके से। तो ये हाल है यहाँ का, और हम खड़े हैं और किसी को कोई फ़र्क नहीं यार। गवर्नमेंट जॉब सबसे बेस्ट होता है मेरे हिसाब से, जब इच्छा करे काम करो, जब इच्छा करे ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होती है गवर्नमेंट जॉब। कब से हम लोग इतनी धूप में आए खड़े हैं, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, काम होगा नहीं होगा, सब लोग अपने मस्ती में लगे हुए हैं। और कुछ लोग यहाँ बैठ के इंजॉय कर रहे हैं धूप से बचने के लिए छांव में, मस्ती सबकी चालू है। अभी हम लोग फ्लाइट में हैं, ये जो बस है फ्लाइट के डिज़ाइन का है, तो फील आ रहा है अच्छा वाला। और भाई मस्त, कहाँ पे जाओगे उड़ के? उड़ के कहाँ तक जाओगे? उड़ के चना 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 च
चलो आ रहा है मुलायम बच्ची आप करीब बोला दिया मजीरा के साथ बोला दिया और अभी हम लोग जस्ट उतरे हैं बस से और ऑटो मिला नहीं इसलिए सोचे पैदल ही चलते हैं। धूप बहुत तेज है यार, बहुत भयंकर वाला धूप है, हालत ख़राब है इसकी भी और मेरी भी, और साथ में ये सामान जो है ये भी थोड़ा सा हालत ख़राब करके रखा है। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। हल्का सा सामान और दो लोग पकड़ के ले जा रहे हैं क्योंकि एक दूसरे से हमारा कंपटीशन चलता है। और फाइनली हम पहुंच गए अपने रूम पे, और रूम पे पहुंचने के बाद जस्ट आने के बाद मैंने पानी भरा। ये लड़का आके बैठ के आराम कर रहा है और मैं पानी पीने के लिए भर रहा हूँ। अब बताओ भाई, धूप जो है ना भयंकर वाली धूप है मतलब, और वो भी उसमें काफ़ी दूर तक हमने पैदल चला, हालत ख़राब हो गई हमारी। अरे यार पता है दाढ़ी सेविंग करा के अजीब लग रहा है थोड़ा सा, चेहरा बच्चा लग रहा हूँ छोटा सा, लेकिन अच्छा है, थोड़ा सा फ्रेश भी फील कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। क्योंकि पता है मैं तो सोचा कि अच्छे से पूरा सेविंग करा लूँ बट एकदम गंदा लगता है, इसलिए मैंने सेविंग नहीं कराया पूरा। तो अभी मैं चलता हूँ रेस्ट करने, इसके बाद जो भी आप देखेंगे वो शाम का होगा, अभी का नहीं क्योंकि अभी हिम्मत नहीं है ब्लॉगिंग करने की, अभी तो सिर्फ और सिर्फ जाके सोना है। कुछ खाएंगे, पानी दबा के पियेंगे और फिर थोड़ी देर सोएंगे। और यार आम काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया है, मतलब मैं छोड़ के क्या, लेकिन आगे के तोड़ भी लिए हैं सब, आगे का इतना सारा आम तोड़ लिए हैं सब, लेकिन ये थोड़ा अभी बड़ा बड़ा है। और ये है हमारे रूम की हालत, फाइनली वही सारी चीज़ें, धूल मिट्टी और गर्दा से भरा हुआ रूम, और यही वो चेयर, यही वो वीडियो शूट करने वाली जगह, तो सबको आपको यही दिखेगा, चड्डी बनियान पे ये लड़का, ये भी वही है जो अभी अच्छा अच्छा कपड़ा पहना था। भाई क्या कर रहे हो, चमका रहे हो उसको। अभी मेरे पसीना सूखे नहीं है क्योंकि कंटिन्यू मैं आ रहा हूँ तो बोल भी रहा हूँ ना, तो अभी चलते हैं यार, थोड़ा सा मुँह हाथ धोते हैं फिर आपसे मिलते हैं। इतना तो समझ सकते हो यार, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यार इतने धूप में ब्लॉगिंग कर रहे हैं किसके लिए, आपके लिए। ये सारी चीज़ें आपको दिखानी है, मुझे पता है आपकी आँखों को दिखती हैं बट मुझे वीडियो में आपको दिखाना है, बताइए कितना मेहनत कर रहे हैं हम। और अभी हमारा चल रहा है मस्त नाश्ता। अभी 2:30 बजे सो गया था मैं, अभी सो के उठाऊँ और बज रहे हैं 5:15। तो भाई गर्मी इतनी भयंकर है ना, पिछले 2-3 दिनों से इतना तेज गर्मी चल रहा है कि पूछो नहीं, धूप ऐसा हो रहा है कि बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और पता है रूम हम लोगों का 3rd मंजिले पे है और ये भी इतना हीट हो जाता है ना कि रहना तक मुश्किल हो जाता है इसमें। अभी हम जस्ट निकले हैं थोड़ा सा बाहर मार्केट जाने के लिए, कुछ सब्जी वगैरह लेके आते हैं। बहुत दिनों बाद, मतलब 7-8 दिनों बाद ऐसे चलने को मिल रहा है, तो देखते हैं क्या क्या लिया जाता है आज। और पिछले आधे घंटे से हम लोग घूम रहे हैं मार्केट में, पैसे ऐसे ही अभी बैठे हुए थे, आगे कुछ काम था तो सोचे काम भी निपटा लेते हैं, और अभी ऐसे भटक रहे हैं रास्तों पर। चलते हैं कुछ जूस वगैरह पीते हैं, देखते हैं। तो भाई मजा आ रहा है, ले लो। कितना लोगे, कौन सा लोगे? वेज फ्राइड मोमोज खाएगा ना? वेज तुम तो खा नहीं रहे, पसीना छोड़ रहे हो भाई तुम तो। मोमोज लेके, मोमोज लेके पति। तो सॉरी ज्यादा ब्लॉग नहीं ले पाया था क्योंकि फोन डिस्चार्ज हो गया था, और अभी हम लोग घर पे आ गए हैं और गर्मी इतनी भयंकर वाली है कि ये गमछा को मैंने भिगो के अपने ऊपर डाला हुआ है। और अभी यार पंखा भी बहुत स्लो चल रहा है, मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, और इतनी तेज गर्मी होने के बाद भी इतना स्लो पंखा, आप समझ रहे होंगे कि हालत क्या है। और यार इधर पिछले 3-4 दिनों से ना और ज़्यादा गर्मी बढ़ी है, तो और दाढ़ी सेव करा लिया हूँ, धूप वगैरह में चल रहा हूँ ना, इतना फेस चल रहा है, इतना चल रहा है कि पूछो नहीं। तो अभी इस ब्लॉग को हम करेंगे इन, ताकि अगला ब्लॉग जब भी आए आपको आसानी से नोटिफिकेशन मिल जाए और एक भी ब्लॉग आपसे मिस ना हो, और ऐसी सपोर्ट आप बनाए रखो।